नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। आप सावधान हो जाइए क्योंकि कोई आपके मोबाइल की सारी जानकारी अपने पास इकट्ठा कर रहा है। आपकी पर्सनल फोटो, वीडियोस और बैंक की सारी डिटेल आपकी छोटी सी लापरवाही से वो चुरा रहा है और गलत इस्तेमाल कर रहा है उसका। आपकी जिंदगी को ही मान लो हैक किया जा रहा है। दौसा में एक युवक इसका शिकार भी हुआ और मामा के करोड़ों रुपए चले गए। इसके साथ ही आपको आज बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार के आते ही कैसे पुलिस की कार्यशैली बदल गई है। अपराधी घुटनों पर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, खबर में दम है। आपका डेटा मतलब आपकी जानकारी कितनी सुरक्षित है यह आप भी नहीं जानते। आपकी एक छोटी सी गलती या लापरवाही पर्सनल डेटा को लीक कर देगी और हर वो पर्सनल फोटो, वीडियो, बैंक खाते की जानकारी यूं ही चली जाएगी। आपका पासवर्ड तक, जो आप सोचते हैं ना कि ऐसा पासवर्ड हमने बनाया जो कोई पता भी नहीं लगा सकता, लेकिन असल में पासवर्ड तक हैक कर लिया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में आपके ही मोबाइल से आपकी सारी सारी जानकारी किसी और के पास चली जाएगी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कितना सुरक्षित है आपका पर्सनल डेटा? फोटो, वीडियो और बैंक खातों की जानकारी इंटरनेशनल साइबर ठग सब कर लेते हैं हैक। सावधान अगर करते हैं लापरवाही से काम। जी हाँ, वर्चुअल दुनिया में अनजान खतरे आपके चारों ओर मंडराते रहते हैं। हैकर्स आपकी करेंसी चुराना चाहते हैं, जिसका जरिया बनता है डेटा। सरकार और एजेंसियां तकरीबन रोजाना एडवाइजरी जारी करती रहती हैं, लेकिन उन पर ध्यान तभी जाता है जब आप हैकर्स का शिकार बन चुके होते हैं। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने जैसे ही मुखबिर की सूचना मिली साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में बिल्कुल देरी नहीं की। जब साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया तब पुलिस इन्हें हल्के में ले रही थी, लेकिन जब इनके कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल को खंगाला गया तो पुलिस के अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इनके कंप्यूटर, लैपटॉप के अंदर मिला 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के क्रेडिट डेबिट कार्ड का वो डेटा, जिसके माध्यम से वो लगातार साइबर ठगी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जरा गौर से देखिए इन युवकों को। सीधे सादे से दिखने वाले इन युवकों की शक्लों पर नहीं जाना है, बल्कि इनका दिमाग इतना तेज है कि इन्होंने देश भर में रहकर सैकड़ों विदेशियों से ऑनलाइन फ्रॉड किया है। वैसे चारों शातिर 12वीं फेल हैं, लेकिन इनके कारनामों ने पुलिस प्रशासन का दिमाग हिला डाला। ये चारों साइबर ठग अभिषेक, रोहित, गौतम और राहुल मिलकर सबसे पहले इंटरनेट पर ठगी के तौर तरीकों के वीडियो देखते थे और वहीं से ठगी करना सीखा। बिहार या फिर तेलंगाना जामातारा के साइबर ठगों से हैकिंग सीखी और फिर शातिर ऑनलाइन ठगी के मास्टरमाइंड बन गए। पुलिस ने जब शातिरों से मिले कंप्यूटर और लैपटॉप की जांच की तो 12वीं फेल इंटरनेशनल खिलाड़ी देखिए 12 करोड़ लोगों का डेबिट और क्रेडिट कार्ड डाटा, 2 करोड़ लोगों के सोशल मीडिया के यूजर नेम, पासवर्ड, लाखों करोड़ों के बैंक खातों के ट्रांजेक्शन मिले। क्रेडिट कार्ड से हैक रुपयों को क्रिप्टो करेंसी में लगाते थे, क्रिप्टो करेंसी की ब्लैक मनी को वाइट करते थे। बहुत सारे इनके पास हमको डेटा मिला है,
आधार कार्ड का डेटा मिला है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज का डेटा मिला है, इनके लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस मिले हैं इनके अकाउंट में। ये जिस क्रेडिट कार्ड से हैक करते थे उन पैसे को ये क्रिप्टो करेंसीज में लगाते थे, और फिर इस क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा लगा हुआ था उसको किस तरह से वाइट करना है, ये पूरा इनका एक नेटवर्क बना हुआ था जिसको ये कर रहे थे। जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करके इन चारों अंतर्राष्ट्रीय ठगों को जब गिरफ्तार किया गया तो ये जानकारी के दौरान सामने आया कि ये लोग भले ही बाहर भी फेल हैं मगर तकनीक के इतने महत्वपूर्ण जानकार हैं कि पुलिस को भी छका रहे थे और अपनी एप्लीकेशंस के माध्यम से ऑनलाइन अलग अलग पोर्टल्स के माध्यम से अपनी लोकेशन को हाइड कर रहे थे। हमें इनके पास से बहुत कुछ मिला है, काफी सर्वर्स मिले हैं इनके, इनके कंप्यूटर्स हम अभी टेक्निकल हेल्प से इनके एनालिसिस कर रहे हैं, और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अलग अलग नामों के अलग अलग डेटा हमें मिला है जिससे ये साफ पता चलता है कि ये इलीगल काम कर रहे थे। और ये इनके क्रेडिट कार्ड्स नहीं, बहुत अलग अलग डेटा के क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे थे, अलग अलग कस्टमर्स नेम थे इनके पास, और जिसको ये महंगे सामान मंगाते हैं और फिर उन महंगे सामानों को आगे बेचते हैं। इन्होंने इनके पास बहुत सारे नेटफ्लिक्स अकाउंट्स हैं मान लीजिए, या इस तरह के अकाउंट्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स हैं जिससे ये महंगी महंगी मूवीज़ डाउनलोड करते हैं और फिर आगे उन मूवीज़ को सस्ते दामों में या महंगे दामों में बेच रहे हैं। तस्वीरों में नजर आने वाले चारों युवक अभी बालिग ही हुए थे कि आलिशान जिंदगी की तलाश में कक्षा 12 में फेल हो गए। अब फेल होने के बाद पैसे कमाने की चाहत में इन चारों ने, 12वीं फेल युवकों ने, ठगी का रास्ता अपनी जिंदगी को रोशन करने के लिए चुना। ये चारों साइबर ठग किस तरह से वारदात को अंजाम देते थे ये भी आपको समझाते हैं। सर्च वेबसाइट पर सिस्टम खराब होने पर मदद के लिए नंबर जारी करते हैं। मदद के लिए कॉल आने पर सिस्टम को रिमोट मोड पर लेकर हैक करते थे। इसके बाद ट्रांजैक्शन के समय उपभोक्ता का बैंक डिटेल क्लोन करते थे। डार्क वेब सर्वर की मदद से भी विदेशी बैंकों का डेटा हैक कर रहे थे। डेटा मिलने के बाद बैंक डिटेल की मदद से सारा पैसा निकाल लेते थे। इसमें दरअसल होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई यूज़र है, वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र है, मैं स्पेशली फॉरेन के कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, उनको कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है या टेक्निकल इशू होता है, वो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं जो कि हम कॉल सेंटर बोलते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं ये पहले गूगल पे लिस्टिंग करके अपना नंबर सबसे ऊपर लाते हैं और उसको माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही उसको शो करते हैं, और जब भी कोई यूज़र उनको कॉल करता है तो पहले तो उसको डराते हैं कि आपके सिस्टम में ज़ीस वायरस है या कुछ भी इस तरह के वायरस हैं, और उसका सिस्टम स्पेशली रिमोटली पहले एक्सेस करते हैं, उनको कहते हैं कि आपका सिस्टम हमें रिमोटली दीजिए ताकि हम एक्सेस कर पाएं आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो भी सिस्टम होता है उसमें ये इस तरह की कंडीशन उनको शो करते हैं यूज़र को कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, आपके सिस्टम में ज़ीस वायरस है, फिर ज़ीस वायरस के बारे में गूगल पे उसको पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि सर आप इसके लिए आपको हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत ही कम पेमेंट लेते हैं, जैसे किसी यूज़र से $10 ले लिया, $50 ले लिया, $100 तक का पेमेंट लेते हैं। तो यूज़र जब भी पेमेंट करता है वो अपने वेब पेज पे करता है, जैसे ही यूज़र डिटेल डालता है तो सारी डिटेल्स इनके पास आ जाती हैं और फिर उससे ये क्लोन कार्ड्स वगैरह बनाकर उनके अकाउंट को खाली करते हुए ये उसमें पैसा निकालते हैं और क्रिप्टो करेंसी में उसको ये इन्वेस्ट करते हैं। बहरहाल इन साइबर ठगों ने अधिकतर ठगी की वारदातें विदेशी लोगों के साथ ही की हैं। भारत में किसी के साथ ठगी का कोई वारदात सामने नहीं आई है, लेकिन भारतीयों के आधार कार्ड डेटा इन बदमाशों ने हैक किया था। राजस्थान पुलिस ने इन्हें धर दबोच लिया। वहीं पुलिस आरोपियों के बैंक खाते सहित अन्य जानकारियां खंगाल कर ठगी के तरीके और ठगी के कुल रकम पता करने में जुटी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा मतलब किसी हैकर के पास में है, और तो आप सबसे पहले आप ये करें, जितने भी आपकी ईमेल आईडीज़ हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या आपके बैंक के जो भी अकाउंट है, आप उनके पासवर्ड चेंज करें। पासवर्ड जब भी आप डालें तो कभी भी अपना मोबाइल नंबर ना डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ या किसी फैमिली मेम्बर का आप नाम ना डालें। सपोज़ आपको पासवर्ड डालना है इंडिया, तो आप इस तरह से डालें, आई हमेशा कैपिटल में हो, N D D को आप स्मॉल में ले सकते हैं, देन आई की जगह आप एक्सक्लेमेटरी साइन और ए की जगह @ का आप साइन ले सकते हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक आता है। इसमें स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरह के आप पासवर्ड डालेंगे तो कभी भी कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा और आपका जो अकाउंट, जो भी आपके अकाउंट्स है वो हमेशा सिक्योर रहेंगे।
आरोपियों में 3 आरोपी भीलवाड़ा के रहने वाले हैं जबकि 1 आरोपी पटना का रहने वाला है। फिलहाल तमाम आरोपियों से पूछताछ करने के साथ साथ इनके बैंक अकाउंट और तमाम मिले सबूतों को पुलिस खंगाल रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। ऑनलाइन गेम ने एक परिवार को बर्बाद करके रख दिया। भांजे ने ऑनलाइन गेम में मामा के लाखों रुपए लगा दिए, दांव पर लगा दिए और इस बात की मामा को भनक भी नहीं लगी। कलयुग की भांजे ने मामा को भी ठग लिया और भांजे की इस करतूत पर यह रिपोर्ट देखिए और इससे सबक भी लीजिए। तो निकला लिए हमसे खाता खाली हो गया, मतलब 22 तक के लगभग 72 लाख के लगभग मैंने राशि निकाल ली। चारों ऑनलाइन गेम ने किया बर्बाद। भांजे ने मामा को ठगा। ठगों से आप भी रहे सतर्क। ऑनलाइन गेम के विषय में तो आपने खूब सुना ही होगा लेकिन इस ऑनलाइन गेम की लत ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आपको तस्वीर में कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये कोई हाईफाई लोग नहीं है, गांव के भोले भाले किसान हैं, जिनके साथ इनके ही भांजे ने धोखा कर दिया। मामा को भरोसा ही नहीं हो रहा कि उनके अपने भांजे ने उनके साथ ऐसा कर दिया। मां के जब हमारे एटीएम से सुराग ले गया, वो एटीएम से उसने पैसे निकलाए, हमने हमारे बच्चे की शादी थी इसलिए हम देवन गया था। आप चारों लोग मजदूरी करते, चारों आप भाई मजदूरी करते। नंबर से हमने खाता चेक कराया था, हमारा चारों भाई का खाता साफ मिला। कितना पैसा होगा चारों का? चारों का पैसा हमारे 72,50,000 रुपए थे। इन पीड़ित लोगों का दुख आपने सुना है जिनके साथ ठगी हुई है। पीड़ित किसान ने बताया कि दौसा के धनावड़ गांव के रहने वाले 4 भाइयों की जमीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अधिग्रहण हुई थी। 2019 में चारों भाइयों को 1,10,00,000 रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला। करीब 73 लाख रुपए की राशि उनके खाते में जमा थी जिनमें से 72 लाख रुपए मामा और 2.5 लाख रुपए मामा की लड़की के खाते से धोखाधड़ी करके निकाल लिए। भांजे ने मामा के एटीएम चुराकर और अपने मोबाइल में फोन पे चलाकर ये ठगी की। 3 साल में उसने 4 खातों से 75 लाख रुपए निकाल लिए। मामाओं के 72 लाख रुपए समेत कुल 1,91,00,000 रुपए वो ऑनलाइन विंडो गेम में हार गए। अगर बेटी की शादी नहीं होती तो भांजे की करतूत का मामा को शायद कभी पता नहीं चलता। एक मामा जब अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए पैसे निकलवाने बैंक गया तो पता चला कि उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं। उनका भांजा जो पढ़ा लिखा था, ये लोग कम पढ़े लिखे थे, उनका भांजा उनसे एटीएम ले गया चुपके से, उनको मामाओं को पता नहीं चला और उन में से धीरे धीरे एटीएम फोन पे से सारे पैसे निकाल ले। ऑनलाइन गेम की आदत ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। इन पीड़ित किसान का दर्द अब कौन समझेगा जिन्होंने अपनी जमीन भी गंवा दी और पैसे भी। लेकिन इन सबके बीच भांजे का धोखा तो है ही लेकिन ऑनलाइन गेम की लत आपके परिवार के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है इसको ध्यान में रखते हुए आप भी सावधान रहिएगा। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। जब से बीजेपी की सरकार आई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं, साफ तौर पर पुलिस को कह दिया गया है कि पुराने ढर्रे पर काम करने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेना पड़ेगा। अपराधियों में पुलिस का इकबाल और खौफ होना चाहिए और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस की कार्यशैली भी बदल गई है। बदमाशों को पकड़कर पहले तो जमकर पीटा जाता है, फिर पब्लिक के सामने भरे बाजार में उनकी परेड निकाली जाती है। इतना ही नहीं, अपराधी को पकड़कर पीड़ित के घर भी ले जाते हैं और माफी मंगवाई जाती है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा। जुर्म की दुनिया को बाय बाय करना होगा।
पहले कुटाई फिर निकाली जाएगी परेड। घर पर भी लगेगी बुलडोजर वाली थप्पड़। संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसने अपना काम प्रारंभ किया है। जिस तरह के अपराध होते थे और अपराध ही निकल जाते थे, ये राजस्थान है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये अपराध की धरती नहीं है। हम कहना चाहते हैं यहां किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। पहले इन तस्वीरों को देखिए। जैसा सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, पुलिस अधिकारी अब वैसा ही करने लगे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनते ही पुलिस की कार्यशैली भी अब बदल चुकी है। बदमाशों की धरपकड़ पहले जमकर कुटाई की जाती है, फिर पब्लिक के सामने हरे बाजार में उनकी परेड निकाली जाती है। इतना ही नहीं, अपराधी को पकड़ कर पीड़ित के घर भी ले जाया जाता है और माफी मंगवाई जाती है, और बड़े बदमाशों के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। जी हाँ, ये है अब बीजेपी सरकार की अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। भीलवाड़ा शहर का प्रताप नगर थाना क्षेत्र का एक नजारा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। शहर के गंगापुर तिराहे पर पिछले दिनों एक युवती के साथ हुई लूट के मामले में प्रताप नगर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात स्थल का मौका तस्दीक करवाई गई। तस्दीक करने पुलिस आरोपी को प्रताप नगर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार से ले गई, ताकि जनता को एक संदेश दिया जा सके, जनता भयमुक्त होकर रह सके। पुलिस आरोपी को पैदल ले गई तो वहां भीड़ जुट गई। आरोपी हेमराज शराब पीने और महंगे होटल में खाना खाने का शौकीन है। इसी मौज शौक के लिए वो लुटेरा बन गया। उसने अपने साथी के साथ मिलकर 29 दिसंबर को वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 29/12/2023 को आयुष नाम की महिला गंगापुर चौराहे पे ऑटो में बैठ रही थी। उस समय दो अज्ञात बदमाशों द्वारा उसका मोबाइल छीन के ले गए थे। उस घटना को हमने तय करते हुए यही व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया गया था, तथा कल एक हेमराज गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज हमारे द्वारा घटनास्थल का तस्दीक करवाया गया है। इससे ये संदेश दिया गया है कि जो अपराधी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो आज घटनास्थल हमारे द्वारा गंगापुर चौराहे पे तस्दीक करवाया गया। अब अपराधी न केवल अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, बल्कि हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अपराध छोड़ने का संकल्प भी ले रहे हैं। अपराध की दुनिया गलत है, इसमें किसी का भला नहीं हुआ है। हम बातों में आ गए, हम किसी के लोगों की बातों में आके गलत काम गलती मांग रहे हैं। हम सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन झुंझुनू पुलिस का यह बदलाव अब बदमाशों पर दिखने लगा है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में उत्तम सुपर स्टोर पर रंगदारी और फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों ने व्यापारियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। दोनों बदमाशों की पिलानी बाजार में पैदल परेड करवाई गई। यहाँ पुलिस जो है वो चुस्त और दुरुस्त है, और वो पुलिस नहीं, हम सर आपको पिलानी पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हैं, और बिल्कुल अपराधियों पे सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, और यहाँ के आम लोगों को हम जितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था दे सकते हैं वो हम देने के लिए तत्पर हैं। अपराधी कैसा भी हो, मगर जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है, और जब गिरफ्त में आता है तो घुटनों के बल भी आता है। ये वाक्या सूरतगढ़ में उस समय सामने आया जब एक पखवाड़े पूर्व 25 दिसंबर को घर के बाहर गली में बैठ धूप सेक रही एक वृद्ध महिला के कानों से सोने की बालियां लूटकर भागने वाले दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। उन्होंने इसी वृद्धा से अपने किए का पछतावा करते हुए गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। दोनों आरोपियों की परेड भी निकाली गई। मैं नुक्कड़ पर बैठी थी, वो सामने नुक्कड़ पर खड़ा था, कई देर खड़ा रहा। मैं क्या पूछूं भाई क्यों खड़ा है ये, और एक भाई को उस नुक्कड़ पर बाइक पर खड़ा कर दिया उसने, मुंह उसका उधर था। और मेरे पास थोड़ी देर बाद आया कि तुम तो जाप के ये क्या लग रहा है, बस उसने खींची बाली और भाग गया बाइक पर चढ़। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, ये उत्तर प्रदेश की नहीं राजस्थान की तस्वीरें हैं।
बुलडोजर चलाया जा रहा और अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही। उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर बाबा के बाद अब शर्मा जी का बुलडोजर भी दहाड़ रहा। जोधपुर ग्रामीण में बिलाड़ा थाना क्षेत्र के लंबा गांव में हत्या के एक आरोपी अनिल विश्नोई के अवैध मकान को ध्वस्त किया जा रहा। वही इस मामले में दूसरे आरोपी साहिल के मकान पर भी बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल उसके घर पर कार्रवाई करने को लेकर कागजी कार्रवाई जारी है। दोनों ने 23 दिसंबर की देर रात चोरी करने के दौरान चाकू से महिला, उसकी 1 साल की बेटी और 12 साल की भतीजी का गला काट दिया था। इलाज के दौरान महिला की जान चली गई। बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 दिसंबर को एक घटना हुई थी और इसमें 2 अपराधी अरेस्ट किए गए थे। इसमें एक जो अनिल है उसके कुछ अतिक्रमण प्रशासन ने चिन्हित किए थे, उसको आज प्रशासन की मदद से ध्वस्त किया गया अतिक्रमण को। और इसमें मैसेज ये है कि जो भी अपराधी हैं वो जो एक वर्चस्व समाज में बना के रखते हैं और विभिन्न तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उन्हें हर तरह से उन पे शिकंजा कसा जाए। फिलहाल संदेश साफ है, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि सीएम भजन लाल शर्मा के साफ निर्देश हैं कि बदमाशों के लिए प्रदेश में रत्ती भर जगह नहीं और जिलों में ऐसे अपराधियों की लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है। फिलहाल संदेश साफ है, अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या प्रदेश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा के पुलिस को साफ निर्देश है कि बदमाशों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है और जिलों में ऐसे अपराधियों की लिस्ट बननी भी शुरू हो गई है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18, राजस्थान। एक ऐसा घोटाला जिसने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नाक में दम कर रखा था। पूर्व मंत्री समेत कई बड़े अफसरों पर घोटाले का आरोप है। बीजेपी की सरकार आते ही उस महाघोटाले में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और अब किस किस का नाम सामने आने वाला है, इसके लिए सबकी सांसें अटकी हुई हैं। जीवन देने वाले मिशन में ही फर्जीवाड़ा, मंत्री से लेकर अफसर तक में मंदरवाड़, कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। महाभ्रष्टाचार में अभी कितने किरदार? जी हां, कांग्रेस सरकार में हुए सबसे बड़े भ्रष्टाचार में घोटाले पर घोटाला हुआ है। मंत्री से लेकर अफसर ही नहीं, छोटे छोटे कर्मचारियों, ठेकेदारों तक ने इस योजना को नहीं छोड़ा और सबसे बड़ा बंदरबाट किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के कामों के भुगतान में भी भ्रष्टाचार हुआ है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कामों के भुगतान में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का ही खुलेआम उल्लंघन कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जल जीवन मिशन योजना के हजारों करोड़ रुपए के कामों की ना तो गुणवत्ता देखी गई थी और ना ही भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी। आरआईटीएस संस्था ने जलदाय विभाग मुख्यालय नोटिस भेजकर योजना की पूरी रिपोर्ट मांगी और फिर महाघोटाले में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। से पहले अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र सोनी को निलंबित किया गया। ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी को नियमों के खिलाफ लाभ पहुंचाया गया था। कंपनी को नियमों के खिलाफ करोड़ों की बैंक गारंटी दी गई थी। उच्च स्तरीय जांच में ईएक्सईएन धर्मेंद्र सोनी को दोषी पाया गया है। आरोपी ईएक्सईएन के खिलाफ 16CC नियम के तहत जाँच हुई है। जांच में दोषी मिलने पर सेवाओं से भी बर्खास्त की हो सकती है। इसके बाद पीएचईडी सचिव ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला सबसे बड़ा एक्शन लिया है और घोटाले की जांच के लिए विजिलेंस टीमों की टास्क फोर्स गठित की है।
जांच दल में EXEN, AEN स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। टास्क फोर्स JJM के कार्यों की गुणवत्ता की जांच करेगी। साउथ और नॉर्थ सर्किल के लिए अलग अलग टीमें गठित हुई हैं। ग्रामीण सर्किल के लिए अलग विजिलेंस की टीम गठित हुई है। प्रोजेक्ट के कार्यों की जांच के लिए भी विजिलेंस की टीम गठित हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार की RITES ने गंभीर सवाल खड़े किए थे। जल जीवन मिशन योजना के कार्यों की नींव से लेकर अंत तक खुलेआम भ्रष्टाचार के संकेत दिए गए हैं। RITES की नोटिस के मुताबिक किसी भी काम में ग्रेडिएशन टेस्ट नहीं हुआ है। मिट्टी, लोहा, सीमेंट, बजरी किसी की जांच नहीं हुई है। इंजीनियर्स ठेकेदारों ने करोड़ों का भुगतान लिया है। अफसरों ने भी अभी तक एक भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाई है। प्रोजेक्ट की साइट पर भी कोई भी इंजीनियर नहीं रहता है। साइट पर कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं चल रहा है। केंद्रीय मंत्रालय ने एक भी जांच अधूरी रहने पर किसी भी तरह के भुगतान की अनुमति किसी भी अधिकारी के पास नहीं है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बिना कार्य की जांच किए, बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की प्रक्रिया पूरी करवाई ही जल जीवन मिशन में अब तक हजारों करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। RITES में कई बड़े खुलासे हुए हैं। घर घर लगाए जा रहे नल में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मटेरियल की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है। मटेरियल का थर्ड पार्टी से भी निरीक्षण नहीं हुआ है। भ्रष्ट अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। RITES ने भुगतान, निर्माण कार्य की गुणवत्ता, टेस्ट रिपोर्ट भी पेश नहीं करने पर गहरी चिंता जाहिर की है। जलदाय विभाग ने जल जीवन मिशन के कामों के लिए डिजाइन, ड्राइंग, कंप्लीट VQQ टेस्टिंग रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट भी नहीं देने के संपूर्ण जानकारी भी मांगी गई है। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान की ग्रामीण आबादी तक पीने लायक साफ सुथरा पानी पहुंचाया जाना था। इस मिशन में राजस्थान की एक बड़ी देहाती आबादी को प्यास बुझाने के लिए पानी मुहैया होना था। अगर देखा जाए तो राजस्थान में इस मिशन के लिए आधा पैसा केंद्र को तो आधा पैसा राज्य को देना था। इस मिशन को लेकर के सबसे पहले उस दौर के सांसद रहे किरोड़ी लाल मीणा ने घोटाले की आवाज़ उठाई थी। उन्होंने सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया था कि जल जीवन मिशन के अंदर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया गया है। उन्होंने मंत्री से लेकर के अफसर तक कई लोगों पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया था। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और इसी के साथ खबर में दम है। मैं फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।